भारत की धरती पे अगर भगवे पे सवाल उठे, हम लोग डिफेंसिव हो जाए, तो गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। बिहार के नालंदा में एक FIR होती है। FIR क्या होती है? FIR ये होती है कि एक हिंदू ने अपनी दुकान पे भगवा झंडा कैसे लहराया। 295A के ऊपर होती है। उसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ओप इंडिया की रिपोर्ट है। उसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रिलीजियस फीलिंग, कम्युनल हारमोनी और राइटिंग, इन सब का इल्ज़ाम है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, नोटिस करने वाली सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत में ऐसे कई इलाके हैं जिसको हम लोग एक सबसे कई बार डिनोट करते हैं कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। आप गुजर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कभी किसी ने इस ऐसी कंप्लेन की है कि सब कुछ हरा हरा क्यों है, सब ने टोपी क्यों लगाई है, सब खतरनाक क्यों दिख रहे हैं? मतलब सवाल है मेरा, या किसी को डर लगा हो कभी और डर लगने की कंप्लेन लिखवा दी हो, किसी की रिलीजियस फीलिंग हट हो गई हो, जबकि और झंडे तो इतने सारे मतलब झंडों की कोई कमी नहीं, हरा झंडा हर आपको हर जगह दिख जाता है, कभी किसी ने चू तक नहीं किया। सेकुलरिज्म में तो भाई मतलब क्योंकि कम्युनल लोगों ने नहीं कंप्लेन किया और सेकुलर लोगों ने कंप्लेन कर दी अलीनगर थाने में, अनइमेजिनेबल। खैर, जब औरंगजेब रोड हो सकती है तो अलीनगर थाना भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, भारत की वो धरती जहाँ पे भगवे झंडे के अंदर भारत के सारे राजाओं ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिनका हरा झंडा था। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू ने मुसलमान से लड़ाई की, हिंदू मुसलमान वहाँ पे सिर्फ भारत को बचाने की लड़ाई थी, यहाँ की सभ्यता को बचाने की लड़ाई थी। उन्होंने लड़ी, उन्होंने जीती, उन्होंने भगाया। नहीं भगाते तो आज रेशियो अलग होता, जो आज का रेशियो है। और आज का रेशियो में मैं ये नहीं कह रहा जो हैं बचे हुए वो उन्हीं के वंशज हैं, ना, ऐसी गलतफहमी मत रहना। कल जाओ तो मेरा और तुम्हारा DNA टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारे पूर्वजों का DNA, मेरा पूर्वजों का, सबका लगभग सेम ही मिलेगा। और ये तो प्रूफ हो ही जाएगा कि तुम मुगलों के वंशज नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, हर्ट किसको होना चाहिए था, हर्ट कौन हो गया, और अब क्या सवाल बनता है कि क्या हमको कभी भी अगर कहीं भी कोई हरा झंडा दिख जाए, कोई मस्जिद दिख जाए, रिलीजियस फीलिंग तो हमारी भी हर्ट हो रही थी बहुत समय से, जब से राम मंदिर नहीं बन रहा था, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन रहा था, तो रिलीजियस फीलिंग सबकी हर्ट हो रही थी। पर उसको भी उन्होंने जायज़ तरीके से इतने समय तक केस चला, केस लड़ के लिया है। और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम दंगा कर देंगे, दंगे का डर तो हमें भी था। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी ज़मीन पे मुगलों का कुछ बना हुआ है, हम उसको तोड़ के अपना ले लेंगे। हमारे अयोध्या में राम मंदिर, राम की जन्मभूमि पे बाबरी मस्जिद बनी थी। अब एक चीज़ का डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा कम्युनल होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उन लोगों ने हरे झंडे के ऊपर कभी कोई FIR नहीं की। मस्जिद, मुसलमानों का इलाका या कोई भी ऐसा माहौल देखा तो उस पर कभी कोई भी FIR नहीं की कि हमें इससे खतरा है, हमें इससे डर लग रहा है, हमारे लिए फीलिंग हट हो रही, कम्युनल हारमोनी खराब हो रही, दंगे का डर है, ना। लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा पीस लविंग रिलीजन वाले बनते हैं, सेकुलर बनते हैं, उन लोगों ने पट से FIR कर दी, भगवा झंडा देखते हैं, भगवे से डर लग रहा था उनको। तो अगर डर लग भी रहा है, मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, और मेरे घर पे खुद भगवा झंडा है, जिसको जो करना कर ले, दो है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गाड़ी पे, घर पे, दुकान पे, ठेले पे, अब एक ठेले वाले का भी था, दलित था, लोग कह रहे हैं दलित था, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि मैं झंडा लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले, ठीक। ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भारत की धरती पे अगर भगवे पे सवाल उठे, हम लोग डिफेंसिव हो जाए, तो गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। और ये हाल अभी है जब सत्ता में हिंदू है, मतलब CM हिंदू है, PM हिंदू है, होम मिनिस्टर हिंदू है, सब कुछ हिंदू, मेजॉरिटी है, हिंदुस्तान है, तो ये हालत है। ऐसी फीलिंग आने लग गई कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहते, हम कहीं कोई इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ रहते हैं। ये मेरा सवाल है सबसे बड़ा, कोई मुझे जवाब दे पाए तो दे दे कि आखिर हम लोग इस देश को बनाना क्या चाहते हैं और कैसा बनाना चाहते हैं। खैर, अब ये जनता को देखना है कि कैसी चीज़ों को कैसे टैकल करना। हर वक्त डिफेंसिव हो जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, आज तक हम लोग यही करते हैं। तो चीज़ों पर रिएक्ट करना सीखिए, लेकिन देश हित में। जय हिंद, वंदे मातरम।